जैसा कि हम सभी को पता है कि दुनिया भर में कई बड़े बड़े थिंक टैंक, एजेंसीज, एनजीओस कुछ समय के अंतराल में ग्लोबल हंगर इंडेक्स, ग्लोबल फायर पावर रैंकिंग्स, ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स और ग्लोबल डेमोक्रेसी इंडेक्स जैसी कई रिपोर्ट्स, मोनोग्राफ्स और रैंकिंग तैयार करके रिलीज करते हैं। उदाहरण के तौर पर फ्रांस की पेरिस बेस्ड संस्था रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर हर साल वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स रिपोर्ट पब्लिश करती है। अब बोलने के लिए तो ये सभी एजेंसीज, एनजीओस, थिंक टैंक पहले से तय किए गए कुछ पैरामीटर्स के आधार पर सभी देशों को स्कोर देने के बाद ये रैंकिंग तैयार करते हैं। मगर ये अक्सर देखा गया है कि इस तरह की रिपोर्ट्स कई बार इल मोटिवेटेड और पॉलिटिकली बायस्ड प्रोपेगेंडा फैलाने का ही काम करती हैं और जमीनी हकीकत से इनका कोई भी लेना देना नहीं होता है। अब इन सभी संगठनों को अपनी एग्जिस्टेंस और डेली ऑपरेशंस के लिए फंडिंग की जरूरत तो पड़ती है, जो कि इनको कई बार देश की सरकारों और बड़े बड़े संस्थानों से होती है, और फिर इसी फंडिंग के चक्कर में पॉलिटिकली मोटिवेटेड रिपोर्ट्स तैयार की जाती हैं। उदाहरण के तौर पर कुछ दिनों पहले अमेरिकन गवर्नमेंट द्वारा फंडेड एनजीओ फ्रीडम हाउस ने अपनी डेमोक्रेसी रिपोर्ट में भारत का स्टेटस फ्री से डाउनग्रेड करके पार्शियली फ्री कर दिया था, और फिर एक और स्वीडन के वीडेम इंस्टीट्यूट ने भी अपनी एनुअल डेमोक्रेसी रिपोर्ट में भारत को द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी से डाउनग्रेड करके इलेक्टोरल ऑटोक्रेसी बता दिया था। हालांकि इनके कहने से जमीनी सच्चाई तो कभी नहीं बदलेगी, लेकिन फिर भी इस तरह की रिपोर्ट्स के आधार पर ही सभी देशों को जज किया जाता है और उनकी इमेज पूरी दुनिया में स्थापित होती है। और इन रिपोर्ट्स के आने के बाद वैसा हुआ भी, और पूरी दुनिया में डिस्कशन शुरू हो गई कि भारतीय लोकतंत्र, मीडिया और आजादी किस तरह जा रही है। मगर ये गौर करने वाली बात है कि जो भी काम विश्व कल्याण के लिए भारत ने पिछले एक साल में किया, जेनेरिक मेडिसिन, लाइफ सेविंग ड्रग्स, कोविड वैक्सीन पूरी दुनिया को सप्लाई की, ग्लोबल क्लाइमेट चेंज पर काम किया, वो सबका सब इन संगठनों ने पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया। लेकिन ये संगठन खुद अपने गिरेबान में नहीं झांकते और वहाँ पर नहीं देखते कि इनके अपने देश में क्या कंडीशंस हैं, कितने बड़े स्तर पर रेसिज्म है, कितना सोशल इनजस्टिस है, वहाँ पर वुमेन राइट्स की क्या कंडीशन है। लेकिन इन सबको आईना दिखाने का फैसला किया है भारतीय सरकार ने, वो भी इन सभी को इनकी भाषा में। दरअसल न्यूज 18, द हिंदू, हिंदुस्तान टाइम्स और कई बड़े बड़े मीडिया हाउस के वाले से ये मीडिया रिपोर्ट सामने निकल कर आ रही है कि अब भारतीय सरकार की मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स भी वर्ल्ड डेमोक्रेसी रिपोर्ट और ग्लोबल प्रेस फ्रीडम इंडेक्स के तर्ज पर दो इंडिसेस को लाने पर विचार कर रही है, जिसके लिए भारतीय सरकार भारत के कुछ थिंक टैंक्स को इस तरह की रिपोर्ट को तैयार करने के लिए फंड भी मुहैया कर सकती है, यानी नैले पर दैला। फिलहाल जो जानकारी सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक कुछ पैरामीटर्स के आधार पर सभी देशों को स्कोर देकर एक रैंकिंग तैयार की जाएगी और फिर इस रिपोर्ट को दुनिया की बाकी रिपोर्ट्स की तरह पूरी दुनिया में पब्लिश किया जाएगा, जिसके लिए भारतीय सरकार आज की डेट में एक इंडिपेंडेंट इंडियन थिंक टैंक से चर्चा कर रही है। भारत पहले ही अमेरिका और स्वीडन बेस्ड थिंक टैंक्स की रिपोर्ट को मिसलीडिंग, इनकरेक्ट और मिसप्लेस्ड बता चुका है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि जब भारतीय थिंक टैंक सेम इसी तरह की रिपोर्ट पूरी दुनिया में रिलीज करेगा तब इन देशों का क्या रिएक्शन होगा। मगर फिलहाल विदेशी प्रोपेगेंडा से निपटने के लिए भारतीय सरकार का ये कदम बहुत ही बोल्ड और स्ट्रांग माना जा रहा है। खैर, वैसे इस तरह की खुद की रिपोर्ट तैयार करने का भारतीय सरकार का फैसला क्या बिल्कुल सही है, हाँ या फिर नहीं, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अच्छा सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।